खतीजा बेटी की तो बहुत दुआ करें क्या उकुम अल्लाह से हाज करवावे अल्लाह से उन्हें को सबों को दुआ देवे मेरी धी को मशीन देते ने अल्लाह से उन्हें को खुश किस्मत रखे आमीन। खतीजा पे तेरा शुक्रिया अदा करें और बहुत दुआ करें सब तुम मेरे को सिलाई मशीन देते पूरी जिंदगी दुआ करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, तो उम्मीद करता हूँ मेरे देखने वाले सब बहन भाई इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। नाज़रीन किराम, ये जो मेरी बहन जी बैठी है, ये माँ जी बैठी है, ये मेरी यतीम बच्ची, अल्लाह पाक इनके नसीब अच्छे करे, ये मेरी बेवा माँ जी। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस बच्ची के लिए सिलाई मशीन लेकर आया हूँ। ये यूके से खतीजा अलाड की तरफ से है। दुआ है अल्लाह पाक आपका ये सदका अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमाए। ये मेरी यतीम बहन बैठी है, कोई नहीं इनका करने वाला, इस माँ जी की एक बेटी है ये। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस बच्ची के लिए यूके से खतीजा अलाड की तरफ से सिलाई मशीन लेकर आया हूँ। दुआ है अल्लाह पाक अपनी बारगाह में आपका ये दिया हुआ सदका कबूल व मकबूल फरमाए। अल्लाह पाक आपको इसका अजर अजीम अता फरमाए। आप एक यतीम बच्ची का सहारा बनी, उनके सर पर हाथ रखा है, कोई नहीं इनका करने वाला। बेचारी तीन चार बार मुझे रिक्वेस्ट की थी कि मुझे सिलाई मशीन मिल जाए, भाई मेरा कोई नहीं है तो मुझे सिलाई करने का शौक़ है, काम भी सीख चुकी हूँ, तो मैं कपड़े सीख कर अपनी रोज़ी कमाना चाहती हूँ, तो मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपकी थोड़ी सी मदद, थोड़ी सी ज़कात ऐसे मेरी यतीम बच्चों को, मेरी बहनों को घर में, उनके घर में खुशियाँ दे सकती है, उनके घर में अपने कारोबार मिल जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये मेरी माँ जी और ये इनकी बेटी बाहर खेतों में काम करती थी, मेहनत मजदूरी करती हैं, जिनसे 100-150 रुपये कमा कर लाती हैं, तो बड़ी मुश्किल से घर का सर्कल चला रही थी। इनका रूम जो है आपके सामने है, देख सकते हैं। अल्लाह पाक मेरी बहन के नसीब अच्छे करे और अल्लाह पाक आपको इसका रिवार्ड इस दुनिया में भी और अगली दुनिया में भी अता फरमाए, आमीन। बेटा कैसे हैं आप, ठीक हैं? जी माशाल्लाह। बेटा ये आपकी बहन जी हैं खतीजा अलाड यूके से, ठीक है ना? जी जी खतीजा, उन्होंने आपके लिए सिलाई मशीन भिजवाई है, ठीक है? आपने उनके लिए दुआ करनी है, ठीक है बेटा? अपनी अच्छा बेटा, आप सिलाई का काम जानते हैं? जी हाँ। कपड़े सिलाई करते हैं पहले? जी हाँ। कहाँ से करते हैं? आपके पास थी सिलाई मशीन? किसी के घर जा के करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह आप अपने घर मिल गई है, खुश हैं? जी हाँ। कितना खुश हैं? माशाल्लाह बेटा माशाल्लाह। अच्छा खोले अपनी सिलाई मशीन को, बाहर निकाले, खोले माँ जी उस तरफ खोले। अपनी बहन के लिए दुआ करनी है, ठीक है? किसने दी है? खदीजा लाड, बिल्कुल ठीक है ना। अपनी बहन के दुआओं में याद रखना है, ठीक है? अल्लाह पाक उनके माल रख कारोबार में बरकत अता फरमाए, ठीक है? माशाल्लाह। तो ये आपकी सिलाई मशीन का गारंटी कार्ड है, ठीक है? 5 साल की इसकी वारंटी है, इसको गुम नहीं होने देना, अगर ख़राब हो गई, कुछ हो गया, चेंज करवा कर देंगे। तो इसका एक्स्ट्रा सामान भी मौजूद होगा इसके अंदर, ये आप देख सकते हैं, ये इनका एक्स्ट्रा सामान मौजूद है, ठीक है? सुइयां पहले भी लगी हुई हैं, इसके अंदर भी मौजूद है, ठीक है? तो आपने इस कार्ड को महफूज रखना है, ये वारंटी कार्ड है आपका, और अपनी बहन जी के लिए दुआ करते रहना, ठीक है? कितने पैसे कमा लेंगी यहाँ से? हाँ 1000 कमा लेंगी माशाल्लाह अपने घर में बैठ कर। तो अपनी बहन के लिए दुआ फरमा दें। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ما خطيجا بیٹی کی تو بہت دعا کریں کیا حکم اللہ سے حاج کرواوے اللہ سے انہوں کو سب کو درہ دے وے مری تھی ایک مشین دیتے نے اللہ سے انہوں کو خوش قسمت رکھے آمین اللہ ہر مسلمان دی خیر فرما آمین खतीजा देखो हाज करवा मेरा अल्लाह आमीन आमीन।